मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत शामी हिरासती कैंप से 6 बच्चों को उनकी माह के बगैर वतन वापस न लाए। अक्वामे मुतहदा का कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा। माहरीन का कहना है कि बच्चों को माँ से जुदा करना हुकूमती पॉलिसी की भी खिलाफ वर्जी है। टोरंटो में वकला का शेल्टर सिस्टम के सरबराह के इस्तीफे का मुतालबा। 20 से जायद वकला ने खुला खत जारी कर दिया। टोरंटो की मेयर का कहना है कि मसले के हल के लिए खसूसी इकदाम किए जाएंगे। कनाडा में जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए कैनेडियन फौज का दस्ता सूबे ब्रिटिश कोलंबिया पहुंच गया। मजीद फौजियों को सूबे में भेजा जाएगा। वजीर दिफा का कहना है कि कैनेडियन कोस्ट गार्ड का अमला और हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने में मदद करेंगे। अमरीकी रियासतों में गर्मी की शिद्दत में तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तिहाई अमरीकी आबादी को शदीद गर्मी की वार्निंग जारी कर दी गई। चीन में दर्जा हरारत 52.2 डिग्री तक पहुंचा। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान सऊदी अरब पहुंच गए। तुर्क सदर सऊदी अरब से कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। तैयब अर्दोगान के हमरा उनकी काबीना के अरकान और दीगर तुर्क हुकाम भी मौजूद हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. अक्वामे मुतहदा के अहलकार ने कनाडा की हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शामी हिरासती कैंप से 6 बच्चों को उनकी माँ के बगैर वतन वापस ना लाएं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुतहदा के अहलकार ने कनाडा की हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शामी हिरासती कैंप से 6 बच्चों को उनकी माँ के बगैर वतन वापस न लाए। कैनेडियन खातून और उसके बच्चे शुमाल मशरकी शाम में दाइश के मुश्तबा अफराद और उनके खानदान के अफराद के लिए कुर्दों के जेर इंतजाम कैंप्स में बहुत से गैर मुल्की शहरियों में शामिल हैं। कैनेडा ने बच्चों को वतन वापस लाने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन हाल ही में सिक्योरिटी खदशात के बायस माँ को वतन वापस न भेजने का फैसला किया है। इंसानी हकूक के फरोग और तहफ़ से मुतालिक अक्वामे मुतहदा के खसूसी नुमाइंदे ने मई में हुकूमत को एक खत लिखा, जिसमें मुतनबा किया गया था कि बच्चों को उनकी माँ से अलग करने से उन बच्चों को मजीद सदमा पहुँच सकता है जो डिप्रेशन और इस्तराब का शिकार है। खत में लिखा गया है कि अगरचा हम वाजे हैं कि बच्चों की वतन वापसी को सिर्फ उनके बेहतरीन मफाद में ही समझा जा सकता है, हम इस बात पर जोर देते हैं कि खानदानी अलहदगी को रोकना और खानदानी इत्तेहाद का तहफ़ बच्चों के तहफ़ के निज़ाम के ज़रूरी अज्जा हैं। रिपोर्टर ने हुकूमत को जवाब देने के लिए 60 दिन का वक्त देने के बाद खत को आम किया, जिसे हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत अक्वामे मुतहदा के नुमाइंदों के साथ तआवुन करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन राजदारी के खदशात का हवाला देते हुए मजीद तबसरा पेश नहीं करेगी। वकील लॉरेंस ग्रेंसपॉन, जो इस खातून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ने कहा था कि माँ को अपने बच्चों से अलग करना कनाडा के बैनुल अक्वामी वादों के साथ साथ वतन वापसी के मुमकिन मामलात का जायजा लेने के लिए हुकूमत की पॉलिसी की भी खिलाफ वर्जी है। कनाडा के शहर टोरंटो में तकरीबन 2 दर्जन मुमताज वकला ने एक खुला खत जारी किया है, जिसमें सिटी ऑफ टोरंटो के शेल्टर सपोर्ट एंड हाउसिंग के जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में तकरीबन 2 दर्जन मुमताज वकला ने एक खुला खत जारी किया है, जिसमें सिटी ऑफ टोरंटो के शेल्टर सपोर्ट एंड हाउसिंग
एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल मैनेजर के फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। वोकला मेयर ओलिविया चू से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो जनरल मैनेजर गॉट टेनर को बरतरफ कर दें। ये मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया है जब पनाह के मतलाशियों के एक ग्रुप को 128 पीटर सेंट में शहर के शेल्टर इनटेक ऑफिस के बाहर शहर के नीचे फुटपाथ पर सोने पर मजबूर किया गया है। ग्रुप का कहना है कि वो पनाह गुजीनों की रिहाइश के बहरान और पनाह गाहों के निजाम की बद इंतजामी के नतीजे में बात कर रहा है। इसमें कहा गया है कि शहर का मुहाजिन को पनाह देने से इनकार टोरंटो की सेंचुरी सिटी पुलिस की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है और ये रेनो बुक ऑफ दास्तान को बरकरार रखता है। चाओ ने गुज़िश्ता जुमे को सूबाई और वफाकी रहनुमाओं से मुलाकात की ताकि बहरान को हल करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जा सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सीनियर ऑपरेशंस और क्राइसिस मैनेजमेंट टेबल पर मखसूस इकदामात लाने पर इत्तेफाक किया। ये इसके बाद सामने आया है जब वकालत ग्रुपों ने हुकूमत की तमाम सतहों से मुतालबा किया है कि वो अफ्रीका से आने वाले पनाह गुजीनों की मदद के लिए फौरी तौर पर काम करें जो शहर के पनागाहों के निजाम से बाहर पीटर और रिचमंड की सड़कों पर शहर के शेल्टर इनटेक ऑफिस के बाहर सो रहे हैं। वुकला का कहना है कि वो इंसानों को फुटपाथ पर सोने पर मजबूर कर रहे हैं क्योंकि वो पैसे के लिए लड़ रहे हैं और ये सरासर काबिले मुसम्मत है। हकीकी फंडिंग की लड़ाइयों में इंसानों को प्यादे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कनाडा की मुसलह फौज का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल की आग से लड़ने में मदद करने वाला पहला फौजी दस्ता सूबा पहुँच गया है। मजीद फौजी हेलीकॉप्टर और एक हरकुलिस तैयारा तैनाती के लिए तैयार है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के मुसलह फौज का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल की आग से लड़ने में मदद करने वाला पहला फौजी दस्ता सूबे में पहुंच गया है। मजीद फौजी हेलीकॉप्टर और एक हरकुलिस तैयारा तैनाती के लिए तैयार है। फोर्सेस ने एक बयान में कहा कि एक टीम वस्ती बीसी के प्रिंस जॉर्ज में जमीन पर है और हिकमत अमली बनाने के लिए बीसी वाइल्ड फायर सर्विस समेत मुकामी हुकाम के साथ काम कर रही है। सूबे के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर माइक फॉरनवर्थ ने कहा कि फायर फाइटर्स और कम्युनिटीज की जानिब से अहलकारों और आलात की आमद का खैर मकदम किया जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि हम कनाडा की मुसल्ला अफवाज पर भरोसा कर सकते हैं कि वो बहुत सारे कामों में मदद करने के काबिल हो जाएं जो करने की जरूरत है। फॉरनवर्थ ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें बशमूल उनकी वजारत फौज और बीसी वाइल्ड फायर सर्विस फिलहाल एक तैनाती मंसूबा तैयार कर रही हैं। इस लिहाज से कि बेहतरीन जगह कहाँ है और कहाँ जरूरत है। मुसल्ला अफवाज की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इतवार को तैनात की गई टीम के अलावा एडमिंटन में मुकीम एक कैनेडियन मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ग्रुप के सिपाहियों की दो कंपनियां आग बुझाने में मदद के लिए दस्तियाब होंगी। बयान में कहा गया है कि पहली कंपनी मुमकिन तौर पर बर्न्स लेक के इलाके में नॉर्थ वेस्ट फायर सेंटर में तैनात करेगी और दूसरी मुमकिन तौर पर प्रिंस जॉर्ज फायर सेंटर में वेंडरहॉफ में तैनात होगी। इसमें कहा गया है कि रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के तैयारे फायर फाइटिंग की नकलो हरकत और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ हंगामी इनखिला में मदद करेंगे। वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि कैनेडियन कोस्ट गार्ड फायर फाइटर्स और आलात को दूर दराज मकाम तक पहुँचाने के लिए दो हेलीकॉप्टर भी फराहम करेगा और जंगल की आग की वजह से महदूद रसाई का सामना करने वाले दूर दराज के साहिली बरादरियों को मदद फराहम करेगा। अमरीका में फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन की रियासतों और मुल्क के जनूब मगरबी हिस्से में गर्मी की शिद्दत ने साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि शुमाल मगरबी चीन के एक दूर अफ्तादा कस्बे में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका में फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन की रियासतों और मुल्क के जनूब मगरबी हिस्से में गर्मी की शिद्दत ने साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि शुमाल मगरबी चीन के एक दूर अफ्तादा कस्बे में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। अमेरिका में फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन की रियासतों और मुल्क के जनूब मगरबी हिस्से में गर्मी की शिद्दत ने साबिक रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की नई खतरनाक लहर की वार्निंग जारी कर दी गई। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक एरिजोना के शहर फेनिक्स में गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता 16 दिनों के दौरान पारा औसतन 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की हालिया लहर में कैलिफोर्निया का इलाका डेथ वैली गर्म तरीन इलाकों में सरे फहरिस्त रहा, जहां दर्जा हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तकरीबन एक तिहाई अमरीकी आबादी को शदीद गर्मी की वार्निंग जारी कर दी गई है। अमरीका में आतिश फिशां फटने का खतरा बढ़ गया। शुमाल मगरबी चीन के एक दूर अफ्तादा कस्बे में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। चीन में बुलंद दर्जा हरारत के बायस पावर ग्रिड और काश्तकारी के संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं और गुज़िश्ता साल की तरह।
इस बार भी खुश्क साली का खदशा है जो 60 सालों में बदतरीन थी। चीन अगरचे पहले भी मौसमों में इस तरह के दर्जा हरारत के तगैर का सामना कर चुका है, लेकिन ये फर्क अब वसी तर होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सिंकियांग खत्ते में गर्मी की शिद्दत ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जो दर्जा हरारत 6 माह कबल -50 डिग्री था, अब वो 52 डिग्री तक जा पहुँचा है। सिंकियांग एगोर के सांबाव कस्बे में दर्जा हरारत बढ़कर 52.2 डिग्री तक पहुँच गया, जो मजीद 5 दिन तक बरकरार रहने की तवक्को की जा रही है। इस दर्जा हरारत ने 50.3 डिग्री के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो इसी इलाके में 2015 में रिकॉर्ड किया गया था। अप्रैल के बाद से एशिया के ममालिक कई बार रिकॉर्ड गर्मी की लहरों का शिकार हो चुके हैं। मौसमियाती माहरीन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखने का तवील मुद्दती हदफ अब नाकाबिल हुसूल नजर आ रहा है। रजब तैयब उर्दवान तुर्किया के दूसरी बार सदर बनने के बाद किसी दूसरे मुल्क के अपने पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तैयब उर्दवान तुर्किया के दूसरी बार सदर बनने के बाद किसी दूसरे मुल्क के अपने पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के वफ में वज़रा, कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार भी शामिल हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फरोग देना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर तैयब उर्दवान की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान सरमायाकारी, तिजारत और इलाकाई उमूर पर बातचीत हुई और मुतअद्दिद शोबाजात में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्क अपने दरमियान तिजारत का हजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है और तुर्क सदर के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के हजम में इजाफा मुतवक्के है। सऊदी अरब रवानगी के वक्त सदर तैयब उर्दवान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोस्त ममालिक के साथ दो तरफा तिजारत के जरिए मुस्तहकम तालुकात के ख्वाहिशमंद है। तुर्क और सऊदी आवाम के दरमियान गहरा रिश्ता है। याद रहे कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान सऊदी अरब से बराह रास्त कतर और मुतहदा अरब अमारात भी जाएंगे और मुमकिन तौर पर मौशी और तजारती माहदे पर दस्तखत करेंगे। तुर्क सदर खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान सरमायाकारी माहदों को हतमी शक्ल देंगे। तुर्क सदर के सऊदी अरब, कतर और मुतहदा अरब अमारात के दौरे में मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर खसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा और वहाँ ताकत के तवाजन को बरकरार रखने के लिए लाइहा अमल पर गौर किया जाएगा। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Thank you.